डेस्कटॉप, मेरा नाम रोहित राउत और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिक्स योर लैपटॉप हीट। तो लैपटॉप की हीट के कारण क्या है और कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो कारण आप सुन लो। कारण हमारे, एक तो हमारा फैन, जो लैपटॉप का फैन होता है, ये देखिए हमारा लैपटॉप, तो इसका फैन है, ये पुराना हो चुका और इसमें डस्ट है, तो डस्ट के कॉज से आपका फैन की परफॉर्मेंस होती है वो कम पड़ जाती है। तो अब इसे कैसे फिक्स करें, या तो फैन चेंज कराएं या फैन की डस्टिंग कराएं अपने नियर बाय सर्विस सेंटर से, ठीक है। और दूसरा कारण आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स। इंटरनल प्रॉब्लम क्या आता है, इंटरनल प्रॉब्लम में आता है आपका इसका प्रोसेसर, रैम और रोम। तो अगर आपका प्रोसेसर अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपका आपको हीट तो करेगा ही लैपटॉप। तो आप कैसे फिक्स करें इसे, अगर आपके हैवी सॉफ्टवेयर आप अपने लैपटॉप में रखते हो तो आपको पता है हीटिंग तो होगी, क्योंकि रैम आपकी 4 GB है, अब सॉफ्टवेयर आपने रखे 8 GB के, तो हीट तो आपको मारेगा ही। और दूसरा आपका स्टोरेज, अगर आपकी स्टोरेज स्लो है, फास्ट एसडी कार्ड नहीं है आपके इसमें, तो आपका हीट होगा आपको। अगर आप या तो अपनी हार्ड डिस्क चेंज करा सकते हो हीटिंग के उससे, तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके लैपटॉप में हीटिंग हो तो आपको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप आपका, तो नंबर वन में हम कहते हैं कि आपको तो पहला स्टेप में आपका आपको डिलीट मारने पड़ेगा आपकी अनयूजेबल फाइल। जो भी आपका अनयूजेबल फाइल है वो सब डिलीट मार दो, और जो भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो आपका नॉट यूजेबल है वो सब डिलीट मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दूसरा आते हैं नंबर है टैम। टैम क्या है, टैम एक अनवांटेड फाइल है जो आपको दिखेगी नहीं आपके लैपटॉप में, कहीं भी सर्च मार लो, और ये आपके पीसी की परफॉर्मेंस भी डाउन करती है, और हीटिंग का ये भी एक रीज़न है हीटिंग। तो अब आपको इसकी प्रॉब्लम फिक्स करनी है, तो चलिए पीसी में चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो हम आ गए अपने पीसी पे, और आप यहाँ पे हमें क्या सर्च मारना है, कॉटना में हमें सर्च मारना है रन, तो रन आ गया हमारा। और आपको सर्च क्या मारना है, यहाँ पे परसेंटेज टेम्प, और इसके बाद ओके कर दो इसे, और यहाँ पे फाइल आ जाएगी जो भी अनवांटेड है। ये देखिए आपको कितनी सारी फाइल दिख जाएगी, अनवांटेड फाइलें सारी। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए करके डिलीट मार देना है आपको इसे। रुक जाओ, सिलेक्ट ऑल कर देंगे, तो अब शिफ्ट प्लस डिलीट कर दोगे और एंटर, यस। तो दोस्तों ये होगी हमारी, देखिए 1-2 GB की फाइल थी हमारी ये, तो देखिए आपने कितना स्पेस इसने घेर रखा था। और आप अगर इसे डिलीट मार दोगे तो कोई इशू नहीं है इसमें, कोई मतलब ये सारी अनवांटेड फाइल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस दोस्तों अब चलते हैं हम तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है हमारा एंटीवायरस। एंटीवायरस क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, एंटीवायरस आपके पीसी को एक तो प्रोटेक्ट भी करता है और आपकी अनवांटेड फाइल को कॉपी नहीं होने देता। कोई भी आपका, आप देख लो, अगर आपकी एंटीवायरस ना हो, अगर आपका गलती से वायरस घुस गया तो आपका पीसी आपको हॉट हीट तो होगा ही आपका, तो हॉट तो हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपको पता है क्या क्या हो सकता है, एक तो आपके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ सकती है, रैम में आ सकती है, रोम में आ सकती है, आपका पीसी का हार्ड डिस्क टूट सकती है आपकी पीसी की, और सॉफ्टवेयर टूट सकता है आपको उसकी। हाँ तो दोस्तों चौथे टॉपिक में चलते हैं। तो चौथा टॉपिक क्या हमारा है, एक तो इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल क्या है, इन्वायरमेंटल में आपको आप कहाँ पे अपना लैपटॉप यूज़ करते हैं। अगर आप कोल्ड इन्वायरमेंट में करते हो तो आपका लैपटॉप में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हीट का कोई, अगर आप हॉट इन्वायरमेंट में करते हो तो आपको पता है आपको उसकी आपके लैपटॉप में हीट का फर्क पड़ के आपका और हीट अप हो सकता है, आपका लैपटॉप हीट इंक्रीज हो सकती है, तो आपका प्रोसेसर में आपके हार्ड डिस्क में फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर आपका लैपटॉप हीट ज़्यादा होता है तो ये याद रखना कि आपका लैपटॉप जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो सबसे मेन कारण है हीटिंग के माई वीडियो। हाँ तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और देखते रहे टेक्निकल लाइफ फॉर मोर वीडियो।